और अब हमारे पास बच गया ये अंदर की एक लकड़ी जैसी, और इसी को हम खाते हैं। और तीन चार लंगूर आ रखे थे, इन्होंने पूरी फसल का नाश कर दिया जो भी हमने बो रखा था। हो चुका है मेरी चाय पीने का टाइम, लेकिन इतनी धूप में चाय पीना मन भी नहीं बोलूँ चिकन था मैं तागर लगी ना जी चाय की ना तो प्यार कर दीजिए। बड़ी और दादी, दादी की बेस्ट फ्रेंड है हमारी बड़ी, और दोनों शाम को घूमने जाते हैं। तो शुरू हो चुका है एक नया दिन, और आज के दिन की शुरुआत मैं दादी के साथ कर रहा हूँ। तो दादी गुड मॉर्निंग। क्यों गुड मॉर्निंग मतलब? नहीं पर सुप्रभात क्यों? गुड मॉर्निंग मतलब बंधु तुम पढ़िया लिखे जब सुबह उठी बोलन गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलन रात से अनस पे जन जन पढ़ रहा है। अरे यू वेव टाइम कोई साहब बंधु ठीक है। चला दादी की ख्याल में आज सुबह सुबह और दादी से करिया ली शुरुआत। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आपको पता है मेरा नाम अंकुश, मेरे गांव का नाम है चुपराल गांव, और जो पता है टीरीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चंबा ब्लॉक में। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज मैं सुबह अभी उठ रहा हूँ, मम्मी देखिए खेत में भी लग गए जाने देखो। मैंने आपको कहा था हमारे गांव में बंदर बहुत है, बंदर के साथ साथ लंगूर भी आ गए। और चलो मम्मी तो खेत में जा रही है और मैं जा रहा हूँ पानी के लिए। देखो हमारी बड़ी बड़ी खेकन खानो नौनी कखन तुम्हारे ये बहुत बड़ा काम करे तुम कपड़े धोने क्यों? अच्छा ये तेरी वीडियो में बनो कम। अच्छा तुमने मैं फेमस हो कहीं कम बात। मैंने आजकल यहाँ पे पूरी क्यारी लगाई थी वहां तक लास्ट तक एक फूली फूल की, तो उस पे फूल भी आ गए। देखिए ये देखिए हम पानी के लिए आए थे, हमारी बॉज यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे छेमी बो रही है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, धूप भी बिल्कुल नहीं आई और बादल ही बादल है चारों तरफ। हमारे ये पहाड़ हैं, इनमें नई नई पत्तियां आने लग गई हैं हर पेड़ पे, और ये चीज देखने में काफी सुंदर लगती है। मैं आपको एक चीज दिखाने वाला था, और जो है गोबली, शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना होगा। चलिए दिखाते हैं आपको। इसमें जो छिलके लगे रहते हैं कांटेदार होते हैं, को अलग हटाना पड़ता है। और अब हमारे पास बच गया ये अंदर की एक लकड़ी जैसी, और इसी को हम खाते हैं। काफी ज्यादा मीठी होती है ये, और हम इसे बहुत ज्यादा खाया करते थे बचपन में। और आप इन चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं, सुबह सुबह इतना प्यारा लगता है इनको सुनने में। तो बंदर तो थे और आज लंगूर भी आ गए हमारे गांव में। गांव में तो कब से आ रखे, लेकिन यहाँ ऊपर हमारे घरों में भी लग गए अब तो आने। और तीन चार लंगूर आ रखे थे, इन्होंने पूरी फसल का नाश कर दिया जो भी हमने बो रखा था। तो दादी ने मारी मुझे आवाज कि लंगूर आए, तब आया मैं भाग भाग के, और देखा वो सेब के पेड़ पे चढ़े हुए थे, उन्होंने पूरा सेब का पेड़ खाली कर दिया। ये छोटे बच्चे पे कुछ ना कुछ कष्ट आ ही रहे हैं। परसों यहाँ बंद हो गया था, और आज देखो इसके पाँव पे पता नहीं क्या हो गया, मतलब चल ही नहीं पा रहा है सही से। हाँ एक घूमे करा थोड़े। तो अभी 3:30 बज चुके हैं, हो चुका है मेरी चाय पीने का टाइम, लेकिन इतनी धूप में चाय पीना मन भी नहीं बोलू चकन था मैं टागर लगी रहें जी चाय की ना तो प्यार कर दी जबरदस्त। दूध की चाय दिखा ये चाय को नशा लग गया एक बार फिर छूट दूनी। बीच में छोड़ आते एक साल के, लेकिन फिर सर्दी स्टार्ट हुई वहाँ के बाद फिर मैं पेड़ स्टार्ट कर दी। मारू नहीं चाहिए खाते मोटो ना हालत दिखेड़े मेरे लगी। मैं
आए थे मम्मी के साथ खेतों में। काका दातुर ये छोट सा, और मम्मी कह रही कि बांझ काट। यहाँ पे मुझे अपने सेब का पेड़ मिला, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा था ये सेब का पेड़, पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं देखते कर कहाँ से चल, कहा मैं सही बता रहा, इस पे सेब लगे 10-12 और मैं आज पहली बार देख रहा हूँ इसको, मैंने देखा ही नहीं था कभी ये पेड़। मैं अचानक से नज़र पड़ी इस पे सेब लगे, मैंने सोचा खाता हूँ। इस पे पूलम देखी, तो ये है सेब, देखिए काफ़ी मस्त हो रहे सॉलिड। ये पूलम का पेड़ है, अरे वाह मिक्स हो गया दोनों, लेकिन बहुत टेस्टी हो रहे। इसके पाँव की पता नहीं क्या हो गया, की गुरान दियो जो मंडुआ होता है उसके साथ दूध डालते हैं और उसके बाद खिला रहे इसको, और फिर पकाने उसको तब इसको खिला रहे ना। इसको ठंड हो गई है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से थोड़ा बीमार पड़ गया, इसका पाँव जो है ठीक नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैं कोई मिल गए यहाँ पे, इनको हमने सेब दे रहे, पकड़ा कैच, एक ही है मैम पड़ी, आओ बच गई। मैं पूरा डोखरा मैन लाया हूँ, दो ही लाया मैम, एक मैन ख्याल घर गया था मैं इसको लेने, दथड़ी लेने, और पिछली बार मैंने एक दथड़ी तोड़ दी थी बांझ काटने की वजह से, और आज दूसरी बार है तो इसका भी क्या इसका मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है आज, क्योंकि जब जब मम्मी ने कहा बांझ काट तब तक मेरे साथ यही हाल हुए हैं, और आज मैं बांझ काटने वाला हूँ। और ये रहा मेरा पेड़ जिसमें मैंने बांझ काटना, मैं तो कहता था द्रांति के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ देखिए मेरे हाथ पे चोट लग गई, लकड़ी पे छिल गई मेरी उंगली। मम्मी अपना कंपेरिजन मुझसे कर रही है, कहाँ एक्सपर्ट और कहाँ नूब। हमारे मेहमान आ चुके हैं, और ये गई थी घूमने मामा जी लोगों के साथ। और कितने मंदिर घूमे पहले ये बता, 5 कौन कौन से? सुरकंडा, चंद्रबनी, और कुंजपुरी, और कोटेश्वर, और किलखार। पूरे 5 मंदिर घूम के आई, और उसका ये प्रसाद है, मेरे को बहुत ज्यादा। सो जा अंदर जा के सो जा। शाम का टाइम रहा है, और हमारी दोनों बड़ी और दादी, दादी की बेस्ट फ्रेंड है हमारी बड़ी, और दोनों शाम को घूमने जाते हैं। देखो साथ में बैठे हुए मस्त गप्पे लगा रहे। तो आजकल आप सोच रहे होंगे डेली खेतों की दिखाता रहता है, तो क्या करें, मेरा ब्लॉग ही इसी पे है, डेली लाइफस्टाइल पे। और मम्मी यहाँ पे अभी खेतों की निराई गुड़ाई कर रही है, क्योंकि आजकल जो हमने ये मिर्च और ये छेमी लगाई थी, यानी कि राजमा की जो बीज बोए थे, वो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े नहीं तो छोटे छोटे हो चुके हैं। और देखिए उन्हीं से जो कबाड़ है उसको मम्मी अलग कर रही है साफ। दादी और बड़ी जी चले गए अपने काम पे हमेशा की तरह घूमने। आज के ब्लॉग में इतना ही था, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको मेरी वीडियोस जरा सा भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।